हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी वालों की मस्ती में। दोस्तों मैं आज आपके लेकर आया हूँ परसेंटेज न्यू क्वेश्चन। परसेंटेज क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए समय की देरी ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा क्या है, पास तथा फेल पर आधारित प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर एक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक परीक्षा में 1100 लड़के एंड 900 लड़कियाँ भाग लेती हैं। लड़कों का 50% तथा लड़कियों का 40% परीक्षा उत्तीर्ण किया, तो कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे। हमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकालना है कितने परसेंट। आप हमारे साथ देखिए, लड़के कितने हैं, लड़के एंड लड़कियां, लड़कियां जो 900 हैं और लड़के 1100 हैं। लड़कों का 50% जो पास हुए हैं, पास कितने हुए, 50%। लड़कियों का पास हुई हैं 40%। जब लड़कों का 50% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे। हर चीज जो 100% में होती है तो फेल कितने हुए हैं, फेल होंगे 50% ही। 50% पास हुए तो 50% फेल हुए। लड़कियों का पास हुए 40% तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे हमारी 60%। जब 40% पास हुए तो फेल 60% हो। चलिए तो निकाल लेते हैं, देखेंगे लड़कों का कितना परसेंट फेल हुए, लड़के फेल कितने हुए, लड़के जो जितने फेल हुए उतने निकाल लेंगे। 1100 टोटल लड़के हैं, 1100 को 50% जो फेल हुए हैं तो 50% का निकाल लेंगे। 50% इतने लड़के जो फेल हुए हैं, परसेंटेज हटाएंगे। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से हम भाग करेंगे, काट देंगे 00 से 00 कैंसिल। हमारा आ जाएगी 11 × 5, 11 × 5 11 × 5 55। ये 0 है बढ़ा देंगे, 550 जो है लड़के फेल हुए। लड़कियाँ कितनी फेल हुई हैं इसे भी निकाल लेंगे। लड़की कितनी, टोटल लड़कियाँ कितनी हैं, 900 हैं। 960% जो है फेल हैं। 960% निकाल लेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे, काट देंगे 00 से 00 कैंसिल। 9×6 54, 540 जो है लड़कियाँ फेल हुई हैं। 550 लड़के तथा 540 लड़कियाँ फेल हुई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। विद्यार्थी में तो लड़के और लड़के दोनों आ जाएंगे। बोला गया कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। हम देखेंगे कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी, कुल अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकालेंगे हम। कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 550 लड़के फेल हुए, 540 लड़कियां फेल हुई। टोटल कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं जोड़ देंगे, हो जाएगा 0 0 जोड़ देंगे 0 हो जाएगा। 5 4 9 5 5 10, 1090 जो है इतने विद्यार्थी टोटल अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो परसेंटेज पूछा गया कि 1090 विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने में अनुत्तीर्ण हुए, 1100 + 900, कितने में, 11 + 900 हो जाएगा 2000। 2000 में जो है 1190 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो इसे यह भिन्न हो गया, भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, आपको पिछली क्लास में बता दिया गया है। काट देंगे 1020 30, 1020 30 काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 × 1 = 2, इसे काट देंगे, 2 × 5 = 10, 9 × 2 = 8, 1 × 6 = 10 लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 54.5% जो है विद्यार्थी, इतने विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए। विद्यार्थी मतलब लड़के लड़कियां इतनी मिलाकर 54.5% अनुत्तीर्ण हुए। इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से लगाएंगे। यह क्वेश्चन थोड़ा बेसिक टाइप का है, इसकी ट्रिक कोई आसान नहीं, ट्रिक ऐसी है आप इसे लगाएंगे, आप कैलकुलेशन तेज करिए, आप ज़्यादा ज़्यादा 10 सेकेंड 12 सेकेंड में लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र है जिनमें से प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 व 56 अंक प्राप्त किए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से लगाएंगे, आप हमारे साथ देखते रहिए। परीक्षा में जो 3 प्रश्न पत्र है, फर्स्ट प्रश्न पत्र, सेकेंड प्रश्न पत्र, थर्ड प्रश्न पत्र मतलब पेपर, 3 पेपर हैं परीक्षा में। पहला प्रश्न पत्र 100 अंक का है, दूसरा प्रश्न पत्र भी 100 अंक का, तीसरा प्रश्न पत्र भी 100 अंक का है, तीनों का पूर्णांक 100 ही है। एक विद्यार्थी जो पहले प्रश्न पत्र में जो या जो है पूर्णांक है, समझ पूर्णांक है प्राप्त किया विद्यार्थी ने कितने, पहले प्रश्न पत्र में जो है 72 अंक
दूसरे में 56 अंक प्राप्त किया, तीसरे में कितने अंक प्राप्त करे ताकि वह 75% अंक टोटल पा जाए। तो टोटल कितना है, 100, 200, 300 टोटल हमारे पास। टोटल निकाल लेंगे 75% अंक, सर्वप्रथम निकाल लेंगे 75% अंक निकाल लेंगे, 300 का 75% निकाल लेंगे, 300 का 75%, 75% निकालने के लिए परसेंट याद आने के लिए 100 से भाग करेंगे, काट देंगे 00 00 कैंसिल, 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 7 21, 21 1 22, 225 अंक अगर विद्यार्थी पाएगा तो उसका जो है टोटल 75% प्राप्त हो जाएगा, क्वेश्चन में ही बोला गया है। तो विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त कर लिए हैं देखेंगे हम, 72 + 56 जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 6 2 8 7 5 12, 128 अंक जो है विद्यार्थी ने प्राप्त कर लिए। अब वो तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त करे ताकि उसके 75% अंक प्राप्त किए प्राप्त हो जाए 75%, तो तीसरे प्रश्न पत्र में वह जो है प्रश्न पत्र में 225 225 है 75%, 128 अंक प्राप्त कर लिया दो प्रश्न पत्रों में। तीसरे प्रश्न पत्र में अगर इसे घटा देंगे हम तो टोटल में से 128 घटा देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा जितना उसे तीसरे प्रश्न पत्र प्राप्त करना है, घटाएंगे उधार लेंगे 15 15 में से आ जाएगा 7 बचेगा है 1, फिर 2 में से नेगेटिव उधार लेंगे 11 11 में से 2 जाएगा आ जाएगा 9, 97 अंक अगर वह विद्यार्थी प्राप्त करेगा तीसरे पूर्णांक तीसरे प्रश्न पत्र में तो उसे टोटल 75% अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसे 97 अगर अंक प्राप्त करे तीसरे विद्यार्थी तो उसे टोटल 75% अंक प्राप्त हो जाए, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी भी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल 35% अंक प्राप्त करने होते हैं, एक पेपर में 150 में से 62 अंक, दूसरे 150 में से 35 अंक, तीसरे पेपर में 180 में से पास होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने होंगे, यह हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसे देखते हैं। फर्स्ट टोटल उसे कितना प्राप्त करना है, टोटल मतलब टोटल उसे 35% अंक प्राप्त करना है, टोटल उसे 35% अंक प्राप्त करना है। पहला पेपर फर्स्ट पेपर जो पूर्णांक है जो है फर्स्ट पेपर पूर्णांक कितना है 150 अंक, दूसरे पेपर पूर्णांक कितना है, दूसरे पेपर का भी पूर्णांक है 150 अंक, तीसरे पेपर का पूर्णांक है 180 अंक। यह भी पिछली क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। चलिए हमारे साथ देख रहे हम आपको बताएंगे। पहले में जो उसे 62 अंक प्राप्त किया, पहले पेपर में जो उसने 62 अंक प्राप्त किया यह जो है पूर्णांक है, पूर्णांक पहले में उसने 62 अंक प्राप्त किया, दूसरे में जो है 35 अंक प्राप्त किया, 35 अंक प्राप्त किया, तीसरे में उसे कितना अंक प्राप्त करना होता है कि वह 35% टोटल अंक प्राप्त कर ले। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का, इसे हम निकालेंगे टोटल 35% 35% निकालेंगे 150 + 150 हो जाएगा 300 में 180 जोड़ देंगे 480 हो जाएगा, 480 का 35% पहले निकाल लेंगे हम, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, काट देंगे 0 0 0 कैंसिल, 5 से काट देंगे 5 2 10, 5 7 35, 2 से काट देंगे 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8 बराबर कर देंगे 14 गुणा करेंगे 7 4 28, 7 2 14 2 16, 158 अंक जो प्राप्त करेगा विद्यार्थी तो वह 35% टोटल कुल अंक पूर्णांक का प्राप्त कर लेगा। उसने प्राप्त कितना किया, 62 अंक + 35 अंक प्राप्त किया है, 62 अंक उसने जो प्राप्त किया है, 62 + 35 अंक जो प्राप्त किया है बराबर जोड़ देंगे 5 2 7 6 3 9, 97 अंक उसने प्राप्त किया है, उसे 158 अंक प्राप्त करने हैं तो शेष कितने अंक प्राप्त करने होंगे यही क्वेश्चन बोला गया। 158 - 97 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाए, तीसरे पेपर में प्राप्त अंक
प्राप्त अंक बराबर, तीसरे पेयर में प्राप्त अंक बराबर 168 माइनस 97 घटा देंगे, 8 मन से 7 जाएगी 1, 16 मन से 9 जाएगा 7। तीसरे प्रश्न में भाग विद्यार्थी अगर 71 अंक प्राप्त करेगा तो उसे टोटल 35% अंक प्राप्त हो जाएंगे, वह पास हो जाएगा। इस तरह हमारे साथ क्वेश्चन को लगाएंगे के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी विद्यालय में दो क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे एवं क्रमशः 25% और 20% असफल रहे मतलब फेल हो, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या। यह क्वेश्चन एकदम आसान है, हमारे साथ देखते रहिए, हम आपको बताते हैं। किसी विद्यालय में दो क्रमागत वर्षों में वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी, पहले वर्ष जो है 160 विद्यार्थी और दूसरे वर्ष जो है 140 विद्यार्थी जो है परीक्षा में बैठे हैं। ये जो परीक्षा में बैठे हैं उनका परीक्षा में बैठे विद्यार्थी हैं, परीक्षा में बैठे विद्यार्थी पहले वर्ष 160 दूसरे वर्ष 140 पर बैठे हैं, बैठे क्रमशः 25% और 20% असफल रहे, जो फेल हो गए मतलब फेल हो गए 25% और 20%, 20% जो है और 25% पहले वर्ष फेल हुए तथा दूसरे वर्ष 20% फेल। क्वेश्चन पूछा पास होने वाले मतलब उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का परसेंटेज क्या है, उत्तीर्ण कितने हुए इसमें से, उत्तीर्ण हुए जो है 75% जो पास हुए, जो 25% फेल हुए पास 75% होंगे, यहाँ जो 20% फेल हुए तो 80% पास होंगे, यही हमें बताना है कितना परसेंट जो है पास या फेल हुए। टोटल निकाल लेंगे हम 160 का पहले वर्ष, फर्स्ट वर्ष जो निकालेंगे 160 का जो है 75% जो है पास हुए, 75% का परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, काट देंगे 5, 1 कम 5, 2 बचेगा, 5 बचे 25, फिर काट देंगे 5 दूना 10, 2 से काट देंगे 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, पूरा कर देंगे 8 पंजे 40, 8 कम 8 4 12, 120 जो आ जाएगा या पहले वर्ष पास हुए विद्यार्थी, दूसरे वर्ष पास हुए विद्यार्थी 140 का 80% पास हुए हैं, 80% पास हुए हैं, इसे निकाल लेंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 कैंसिल, 00 कर देंगे, गुणा कर देंगे 8 4 32, 8 1 8 3 11, 112 विद्यार्थी जो है दूसरे वर्ष पास हुए हैं। पूछा टोटल कितने विद्यार्थी जो है पास हुए हैं, टोटल पास विद्यार्थी, टोटल पास विद्यार्थी कितने हैं, ये हमें निकालना है, टोटल पास विद्यार्थी कितने हैं, 112 प्लस 120 जोड़ देंगे 2, 2 एक 3, 1 एक 2, 232 विद्यार्थी जो है पास हुए। तो विद्यार्थी नहीं पूछा, यहाँ परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज निकालने के 232 बटे टोटल कितना पूर्णांक है, टोटल कितने विद्यार्थी इसे ले लेंगे, 160 प्लस 140 हो जाएगा 200 300 160 और 140 जोड़ेंगे 300 आ जाएगा, इसे परसेंटेज बदलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 00 कैंसिल कर देंगे, काट देंगे 3 1 3 3 7 21 21, 2 बचेगा हो जाएगा 22, 3 3 7 21 दशमलव हो जाएगा, बचेगा 3 3 9 3 3 9 3 3 ऐसे आता जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 77.33% जो है टोटल विद्यार्थी जो है पास हुए, 77.33% विद्यार्थी जो है टोटल पास हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से जानेंगे, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस तरह को लगाने के लिए सबसे पहले हम एक नियम जान लेंगे, सबसे पहले हम ट्रिक को जानते हैं, ट्रिक कैसे हमारी बनेगी। यहाँ दो हम गोला बना गए, या ए है या जो है बी है, या जो बीच वाला है या जो है दोनों में कॉमन है, इसे हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन है। अगर केवल निकालेंगे केवल ए
केवली, केवली कितना, जो इतना खाली बचा इसे केवल ए बोलेंगे, या जो ए और बी दोनों बोलेंगे इसे केवल बी बोलेंगे। केवल ए निकालने के लिए ए मन से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं, मतलब ए कामन बी, ये दोनों में कामन उसे ए मन से घटा देंगे तो केवल ए आ जाएगा। केवल बी निकालने के लिए केवल बी बराबर बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी अगर घटा देंगे, बी मन से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, केवल बी जो इतना खाली बचा है या जो है केवल बी है। यह एक ट्रिक है, सूत्र ही है, और टोटल टोटल होगा जो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 100%। यह एक सूत्र है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसी सूत्र पर हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे, जो दो तीन क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन आया है इसी सूत्र पर हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम देखेंगे इस तरह क्वेश्चन, चलिए हम देखते हैं इस तरह क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में था, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। गणित में कितने उत्तीर्ण हुए, गणित में जो है 60% उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में जो है, अंग्रेजी जो है 70% उत्तीर्ण हुए, तथा 50% जो है दोनों में उत्तीर्ण हुए। 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 50% दोनों में उत्तीर्ण। पूछा है, पूछा क्वेश्चन क्या, बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए निकालेंगे। निकालने पहले केवल ए, केवल गणित में उत्तीर्ण, पहले निकाल लेंगे केवल गणित में उत्तीर्ण, गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण गणित में निकालने के लिए क्या बताया है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए मन से अगर कॉमन वाला घटा देंगे हम आ जाएगा 10% जो है केवल गणित में उत्तीर्ण है, केवल अंग्रेजी में, अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, केवल अंग्रेजी में निकालेंगे 70 माइनस 50 कर देंगे, 70 में से 50 घटा देंगे आ जाएगा 20%। केवल गणित में पास विद्यार्थी 10%, केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थी 20%, दोनों में पास विद्यार्थी कितने हैं, दोनों में पास विद्यार्थी जो है 50%, दोनों में प्लस इन सभी को जोड़ देंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, 20, 30, 50, 80 बराबर 80% जो है, कितने परसेंट विद्यार्थी जो है पास हुए, टोटल कितने 80% विद्यार्थी पास हुए, 20% विद्यार्थी जो है फेल हुए, ये हमारा आंसर है। बोल, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, 70% अंग्रेजी में, 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। पहले सबसे पहले निकालेंगे केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी, 60 में से 50 घटाने, पीछे आपको ट्रिक बताई गई है, नियम बताया, जिससे अगर केवल ए निकाल, मतलब केवल गणित निकालना है, 60 में से 50 जो कॉमन वाला है इसे निकाल देंगे, घटा देंगे, हमारा केवल आ जाएगा गणित। केवल अंग्रेजी निकालना है, 70 में से 50 करके जो अंग्रेजी वाला है इसमें से दोनों कॉमन वाला घटा देंगे तो हमारा केवल अंग्रेजी आ जाएगा। केवल गणित प्लस केवल अंग्रेजी प्लस जो है केवल गणित, केवल अंग्रेजी प्लस दोनों में जो पास हुए हैं सभी जोड़ देंगे तो हमारे पास विद्यार्थी निकल आएंगे। इस तरह क्वेश्चन आप लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, हमें बताना कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। सर्वप्रथम इसे निकालेंगे हम, इसे भी उसी तरह से निकालेंगे, हिंदी में जो है 40% तथा गणित में 40% संस्कृत में जो है 25% जो है तथा 20% जो है दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, या जो है संस्कृत है, हिंदी में जो है 40% और संस्कृत में जो 25% था 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए या फेल हुए विद्यार्थियों का, ये जो सभी क्या है फेल विद्यार्थी,
इन क्वेश्चन में पूछा गया है पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी, परसेंटेज कितना पास विद्यार्थी। तो इसे हम निकालेंगे, पहले सबसे पहले निकालेंगे केवल हिंदी में पास विद्यार्थी, केवल हिंदी में पास विद्यार्थी निकालेंगे। केवल हिंदी में पास 40 में से 20 घटा देंगे, जो केवल अगर निकालने के लिए जो है 40% में से जो कॉमन वाला से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 20% जो केवल संस्कृत में पास विद्यार्थी, केवल संस्कृत में पास विद्यार्थी 25-20 कर देंगे, 25-20 हमारा आ जाएगा 5%, 5% जो है केवल संस्कृत में पास विद्यार्थी हैं, दोनों पास नहीं सॉरी यहाँ पर फेल विद्यार्थी हैं, ये सभी फेल विद्यार्थी हैं, फेल विद्यार्थी हैं, इन केवल हिंदी में फेल विद्यार्थी, केवल संस्कृत में फेल विद्यार्थी, दोनों में फेल विद्यार्थी कितने हैं, दोनों में फेल विद्यार्थी जो है वो है 20% दोनों में फेल है, 20% जो केवल हिंदी में फेल है, 5% केवल संस्कृत में फेल है। टोटल फेल विद्यार्थी कितना है, टोटल फेल विद्यार्थी बराबर 20 प्लस 5 प्लस 20 हो जाएगा 20 40 5 45% 45% विद्यार्थी जो है दोनों में फेल है, हिंदी और संस्कृत दोनों 45% फेल है, तो पास कितने हैं, तो जब फेल विद्यार्थी निकल गया तो पास विद्यार्थी आराम से निकल जाएंगे, पास विद्यार्थी जो 45% फेल है तो 55% पास विद्यार्थी, यही हमारा आंसर है। फेल निकाल लेंगे तो हमारा पास आसानी से निकल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।